कि यहाँ से 12 बोतल खून जो लिया उसके बाद में जब जेल में गया तो उसको मारे क्योंकि इनका ऐसा बोलना उसके मुंह स्वेलिंग है, अभी जब बॉडी आया तो मुंह पे स्वेलिंग दिख रहा है और पीठ पे बेल्ट के निशान लग रहे हैं पट्टे के। पूरा इन्वेस्टिगेशन आप पोस्टमार्टम कैसा कर सकते विदाउट इन्वेस्टिगेशन, आप पे आ जाएगा, यू ट्राई टू डिस्ट्रॉय एविडेंस। अगर एक जगह पे आपको लग रहा है कि सस्पिशन डेथ हुआ है उसका और कस्टडियल में बाहर तो था ही नहीं तो मरा किधर है वो, या तो भाईकल्ला जेल में या जेजे में, लेकिन भाईकल्ला के अंदर ही उसका डेथ हुआ है। अब वो सुप्रिंटेंडेंट मैडम आ ही नहीं रही है, यहाँ से भाईकल्ला जेल 3 मिनट के रास्ते पे, 3 मिनट हार्डली वो नहीं आ रही है। अरे मैडम कुटे गई तो भाईकल्ला की मालूम है उसका केस हुआ, उसका तो बहुत बड़ा सस्पेंड हुए लोग, उसी जेल की बिल्कुल सही बोल। डॉक्यूमेंट लेके आओ क्योंकि डॉक्यूमेंट से मालूम पड़ेगा उसका खून निकाले 12 बोतल फिर उसको मारे। आज बॉडी के ऊपर निशान है आपने देखा ना, आज बॉडी को जो अंदर लेके गए तो उसपे मुंह पे स्वेलिंग का और पट्टे का निशान है ना, वो निशान है। आपने तो नहीं मारा तो गारंटी है, वाशी पुलिस ने नहीं मारा, मुंबई पुलिस का कुछ नहीं है, जेल का यानी भाईकल्ला जेल क्या हो गया ऐसा मालूम है, जो हो जाता है ना सुप्रिंटेंडेंट लोग मार डाल, लड़की को मार दिया कितना मारा, सबको सस्पेंड कर दिया, सब पे केस चल रहा है, जो उसका नाम बोल रहा हूँ महाराष्ट्र लेडी थी उसको मर्डर कर भाईकल्ला को इसी तरह। तो अपने को इन्वेस्टिगेशन चाहिए और इनका ऐसा बोलना है अभी कि हम लोग का जब तक रिपोर्ट नहीं आता है कॉज ऑफ डेथ क्यों मारा उसको, जब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करने लगे, तो पोस्टमार्टम एक बार कर लिया तो लोग बोलेंगे ठीक है बॉडी आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बीइंग द सुपरिटेंडेंट ऑफ जेजे कि आप बोलो सुपरिटेंडेंट को भाईकल्ला का कि हमको भी पूरा चौकसी चाहिए, नहीं तो आप पे आ जाएगा, कल केस करेंगे लोग पीआई डालेंगे तो आपका नाम आएगा कि सुपरिटेंडेंट ने अपना दीन ने बोला कि इमीडिएटली कर दो पोस्टमार्टम करा दिया, एविडेंस आपने वो कर दिया, तो आपको कानून से चलना पड़ेगा और इसको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। देखो अगर बेटा चोर था डाकू था मर्डरर था, कोर्ट में केस पेंडिंग था, कोर्ट उसको सजा दे दी थी फांसी की मंजूर था, लेकिन इस तरह से अगर आज जेल सिक्योर नहीं है अपने देश में तो बाकी किधर सिक्योरिटी मिलेगा सर, जेल में अगर सिक्योरिटी नहीं मिलेगा तो कंपनी को सिक्योरिटी मिलेगा कहाँ, और भाईकल्ला जेल फेमस है सब चीज के लिए। आज सुप्रिंटेंडेंट को बुलाओ, अभी भी 1 घंटा पहले उसको बोला वो नहीं आई, आप आ गए देखो उसके पे उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसके खिलाफ केस करेंगे, उसकी निगरानी में हुआ है जेल में ही डेथ तो हुआ है, बाहर रस्ते पे किसी ने मारा नहीं है ना हॉस्पिटल में मारा नहीं, मतलब 3 दिन यहाँ एडमिट है ना, 4 दिन वो ये बताएंगे ना 4 दिन एडमिट डेट होने के बाद भी इन्फॉर्मेशन किया एडमिट किए मेरा क्या जुम्मा गया शनिचर गया संडे के दिन 3 बजे उसका डेट हो गया था, उस हम लोग को फोन करके नहीं बताया 12 बजे हुआ लेकिन 3 बजे हम लोग को फोन करे, वो भी बोले कि बहुत सीरियस है राइटिंग में पहले कंप्लेन कीजिए सर राइटिंग में ये सारी चीजें राइटिंग में आना चाहिए। देखो अपना भी एक ही मुद्दा है, जब भी तक का सुपरिटेंडेंट बताती नहीं है कि वो इन लोग को पोस्टमार्टम नहीं करना, तो आप जो पोस्टमार्टम करने वाले उनको रोको, अपन चौकसी करते हैं उसके बाद में अपन पोस्टमार्टम के लिए आगे बढ़ते ठीक है, बराबर ना इंसाफ की बात ये है, आप सर इंसाफ मिलना चाहिए हमको, इंसाफ मिलेगा दिलाएंगे, जिसने भी उसका खून किया है उसको हम लोग पहुंचाएंगे बराबर से उसको कोर्ट के जरिए से केस करके उनको जेल में डालेंगे, क्योंकि क्या जेल में अगर आदमी सिक्योर नहीं तो कहाँ सिक्योर मिलेगा बताओ, जेल बन गया अगर खून का अड्डा तो कहाँ जाएगा आदमी, दूसरी तीसरी बार हो रहा है भाईकल्ला के अंदर, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। और हमारा तो मांग है सुप्रिंटेंडेंट को सस्पेंड करोगे इंक्वायरी बाद, और आपके ऊपर ये कि 12 बोतल खून लिया आपने, 12 बोतल खून तो आदमी मर जाएगा, वैसे ही मर्डर है, अगर 12 बोतल खून लिया तो आदमी मर गया, वो तो मर्डर का एक ये हो जाएगा, जो डॉक्टर ने 12 बोतल खून लिया उसने मर्डर कर दिया, उसको मर्डर चार्ज लगेगा ठीक है। आप रुकिए सुप्रिंटेंडेंट आते बात करने के लिए, डॉक्टर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके